नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल राय आप सभी का निखिल कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम आप लोगों के बीच टेस्ट सीरीज संख्या 1 को लेके उपस्थित हुए हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किसे डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है? जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हरमट्टन, ऑप्शन नंबर बी चिनोक, ऑप्शन नंबर सी सिराको, ऑप्शन नंबर डी खमसिन। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए हरमट्टन। आइए हम जानते हैं हरमट्टन के बारे में। हरमट्टन को डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म हवा को कहते हैं। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय, यूरोल, राकी, एंडीज आदि किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर ए अवशिष्ट, ऑप्शन नंबर बी वलित, ऑप्शन नंबर सी संचित, ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक माउंटेन। तो आइए हम जानते हैं, ये हमारे वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए हम वलित पर्वत के बारे में जानते हैं। वह पर्वत जो मुख्यतः भूपट्टी में बड़े पैमाने पर वलन के कारण निर्मित होता है, तीव्र क्षैतिज भूसंचलन द्वारा किसी भूसंरचना में संचित जो मलबे होते हैं उनमें मोड़ पड़ने अथवा ऊपर उठने से निर्मित पर्वत, जिसमें अनेक अपनतियां तथा अपनतियां क्रमिक रूप से पाई जाती हैं। आइए हम जानते हैं अपनतियां तथा अपनतियों के बारे में। अपनति को हम पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण जो ऊपर उठे हुए भाग होते हैं उनको अपनत कहते हैं, तथा पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण जो नीचे धसे हुए भाग होते हैं उन्हें अविनत कहते हैं। संसार की सर्वाधिक ऊंची तथा विस्तृत पर्वत श्रेणियां इसी प्रकार की हैं, जैसे हिमालय, अल्पाइन पर्वत, रॉकी एटलस, पिरेनीज, एपेनाइन आदि वलित पर्वतों के प्रमुख उदाहरण हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कोलोरेडो का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय, ऑप्शन नंबर बी महाद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर सी अंतर पर्वतीय पठार, ऑप्शन नंबर डी तटीय पठार। तो आइए हम जानते हैं, ये हमारा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कोलोरेडो का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। आइए हम जानते हैं अंतर पर्वतीय पठार किसे कहते हैं। अंतर पर्वतीय पठार उन पठारों को कहते हैं जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं। आइए अब हम जानते हैं पठार किसे कहते हैं। पठार वह उच्च भूमि है जिसका कोई एक ढाल आसपास के इलाकों से ऊंचा होता है, अर्थात खड़े ढाल वाला हो जिसका ऊपरी भाग चपटा हो, उसे पठार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी तजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी तुर्कमेनिस्तान। तो आइए हम जानते हैं, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। तो आइए हम जानते हैं कजाकिस्तान के बारे में। यह सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा देश है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है, जहाँ 27,24,900 वर्ग किलोमीटर और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा क्षेत्र है। कजाकिस्तान मध्य एशिया में 5 देश चीन, किर्गिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के किनारे स्थित है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पर्वत पहले किस पर्वत को चोटी 15 के नाम से जाना जाता था? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मानधाता। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। आइए हम माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 कहा जाता था। इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है वो है, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फारसी, हिब्रू, उर्दू, जापानी। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी हिब्रू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कौन सी जलसंध अलग करती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए मैगलन, ऑप्शन नंबर बी डोवर, ऑप्शन नंबर सी वेरिंग, ऑप्शन नंबर डी यूकॉटन।
तो आइए हम जानते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बेरिंग जलसन सही होगा। आइए हम एक एक करके जलसन के बारे में जानते हैं। मैगलन जलसन प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक महासागर को अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी डोवर जलसन। डोवर जलसन हमारा इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से अलग करती है तथा बेरिंग जलसन हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। लास्ट में हमारा यूकाटन। यूकाटन जलसन मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से अलग करती है। आइए अब हम जानते हैं जलसंधि के बारे में। जलसंधि ऐसे जिसे हम स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, यह जल संयोगी है। पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है, उसे हम जलसंधि या स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। नॉर्वेस्टर कहाँ के पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? न्यूजीलैंड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फान किस पर्वत से उतरने वाली गर्म हवा को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आल्पस, ऑप्शन नंबर बी रॉकी, ऑप्शन नंबर डी सी एंडीज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए आल्प्स। आइए हम फॉन के बारे में जानते हैं। फॉन आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को कहते हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघलती है और पशुचारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर पक जाते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्ट्रेल कहाँ से चलने वाली हवा है? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। तो मिस्ट्रेल इटली से चलने वाली ठंडी हवा को कहते हैं। दोस्तों अगर आज का हमारा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग निखिल कोचिंग क्लासेस गोसाईगंज अयोध्या।